नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आई की जुडिश्री आई और आपके जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी नाउ कमिंग टू द द टॉपिक टॉपिक ऑफ डे आज का हमारा है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन अंडर आईपीसी तो जब हम आईपीसी जैसे मेजर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन से ऑफेंसेज दिए गए हैं जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट और वी कैन से माइनर्स के अगेंस्ट हो सकते हैं इसी पे बात करेंगे आज के इस सेशन में इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स स्टडी आई जुडिशरी आपके लिए लेकर आया जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच सेवन जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम ऑफ अक्टूबर से आप इंडिया की किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इसमें आप अपने पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम बात करते हैं लाइव फाउंडेशन बैच की तो सबसे बड़ा फीचर इसका यह है कि आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी इन शॉर्ट आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो सारे के सारे आप लाइव क्लास में में ही एजुकेटर से पूछ सकते हो स्टूडेंट्स इस कोर्स आपका सारे के सारे के मेजर लॉज माइनर लॉज लैंग्वेज पार्ट जब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की जीके जी एस करंट अफेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड यू कैन यूज दिस कोड एस के लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अब बात करते हैं जी टॉपिक की ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जब आप इसके देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना फॉर एग्जांपल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और फॉर एग्जाम्पल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जब हम इस तरह के ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो आईपीसी में तो हम सब कुछ ही पढ़ते हुए चले जाते हैं लेकिन एग्जाम में आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसके लिए आपके पास एक कलेक्शन ऑफ सेक्शंस होने चाहिए जो कि आप वहां पर लिख सके अब अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो इंट्रोडक्शन में तो एक लॉजिक तो यही आएगा कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं सारे के सारे माइनर्स के अगेंस्ट या चिल्ड्रन के अगेंस्ट तो हो ही सकते हैं लेट्स टेक सम एग्जांपल्स जब हम बात करते हैं मर्डर की तो मर्डर तो किसी का भी हो सकता है वो एक मेजर पर्सन का भी हो सकता है एक माइनर का भी हो सकता है सिमिलर गोस टू वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की अगर हम बात करें या एसिड अटैक एंड सो ऑन चाहे मैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के बारे में बात करूं या प्रॉपर्टी तो ऑफेंसेस तो जो है माइनर्स के अगेंस्ट कोई भी हो ही सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी ऑफेंसेज हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हमने जो है माइनर्स के लिए बनाया है जिसमें की सबसे पहली लिस्ट में आपका आता है सेक्शन सुसाइड ऑफ चाइल्ड ही लिखा है Students, का 107 में दिया गया है जो कि तीन काइंड से हो सकती है या तो आप बाय इंस्टिगेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं कि बाय प्रोवोक आप करते हैं या आप कंस्पिरसी के द्वारा भी कर सकते हैं और लास्ट आपका आता है इंटेंशनल एडिंग अबेटर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 108 में लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 305 की तो ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अगर अबेटमेंट करता है किसको अबेटमेंट कर रहा है टू अ चाइल्ड और किस लिए अबेटमेंट कर रहा है ताकि वो सुसाइड कर ले तो उस केस में देन द पर्सन विल गेट द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 305 नेक्स्ट उस पे बात करते हैं जब आप सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व से ऑफ हंड्रेड एंड जैसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको infants, जैसे देखने को मिलते हैं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट 317। फॉर पीटी पर्पज तो ये सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट आपको सेक्शन नंबर्स पूछे जा सकते हैं बट जो मोस्टली आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है दैट इज येज एंड अबेंडमेंट ऑफ अ चाइल्ड जो ट्वेल्व भी, तो तो भी नहीं हुआ है जी नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनेपिंग एंड एबडक्शन जो आपके आ जाते हैं सेक्शन 360 सिक्सटी से 362 थ्री 359 भी अगर आप चाहें तो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं in a sense, क्योंकि 359 आपको काइंड्स ऑफ किडनैपिंग बताता है देखिए जब हम किडनैपिंग के बारे में यहां पे लॉफुल गार्जियनशिप तो एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन ही है विच मींस कि वो तो तभी हो सकती है जब uh, 16 या 18 इयर्स से एज जो है कम होगी ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल लेकिन जब हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की या एबडक्शन की वहां पे जो टर्म लिखी गई है स्टूडेंट्स दैट इज एनी पर्सन पर्सन एंड एनी इंक्लूड्स माइनर वेल ठीक है एक और पॉइंट मैं यहां पे कहना चाहूंगा लेमे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यूजुअली आप एबडक्शन बहुत कम वर्ड सुनते हैं यूजुअली किडनैपिंग ही वर्ड यूज किया जाता है लेकिन जब आप सेक्शन थ्री सिक्सटी 361 और 362 पढ़ लेते हैं तब आपको क्लैरिटी आती है कि किडनैपिंग क्या है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या है इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ एबडक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम किडनैपिंग। आगे बात करते हैं सेलिंग और बाइंग माइनर्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन विच मीन्स कि अगर आप बेचते हैं या खरीदते हैं ये यू नो इट इज समथिंग लाइक जैसे कि एक आपका जो करप्शन वाला ऑफेंस जो होता है अब जो दे रहा है वो भी ऑफेंस कर रहा है जो ले रहा है वो भी ऑफेंस कर रहा है तो उसी तरीके से माइनर्स uh, को बेचना या खरीदना दोनों ही ऑफेंस है जिसमें कि उनका पर्पज ये है कि ताकि उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ पुश किया जा सके ये आपका सेक्शन है 372 एंड सेक्शन 373 इसी में अगर आप चाहें तो ऑफ माइनर गर्ल भी आप यहां पर एड ऑन कर सकते हैं ठीक है जी नेक्स्ट बात करते हैं पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर ट्वेल्व इयर्स ऑफ एज तो यहां पे आपके आ जाते हैं सेक्शन 376 ए बी सेक्शन 376 डी ए सेक्शन 376 डी बी ये जो क्लासिफिकेशन दी गई है यहां पर आप देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग रेप और इसमें भी आपकी एज गिवन है 16 इयर्स एंड 12 इयर्स तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं वो ऑफेंसेस हैं जो कि

कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स आकांक्षा हेलो शिवानगी वेरी गुड आफ्टरनून ऋषभ वेरी गुड आफ्टरनून बिकी दास वेरी गुड आफ्टरनून यस स्टूडेंट्स एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू यू मे आस्क क्वेश्चन एनी थिंग अंडर दॉ इंडियन लॉ टू बी वेरी स्पेसिफिक Anything under Indian law if you are struggling with you may ask questions clear Shivangi badiaji what about others thank you for the compliment Akansha. सर इन सेक्शंस को और भी बाकी सेक्शंस के साथ रिलेटिवली पढ़ना होगा ना बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं मनाली देखिए दिस इज देखिए मनाली ध्यान से सुनिएगा जब हम बात करते हैं लॉ की देर इज नो एंड कोई एंड नहीं है इट इज यू हु नीड टू डिसाइड कि मुझे कहां पर रुकना है लेट मी गिव यू सम्जाम्पल्स अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड तो हमने यहां पे सेक्शन 305 जीरो मेंशन किया अब आप चाहें तो यहां पे 107 जैसे कि मैंने मेंशन भी किया था 107 और 108 भी पढ़ ही सकते हैं उनके बारे में भी लिख ही सकते हैं क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट के बारे में बात हो रही है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें अः अब अगर आप इसको और आगे एक कदम बढ़ाना चाहें तो आप इसको इंडियन एविडेंस एक्ट से भी लिंक कर सकते हैं आप इसको और एक कदम बढ़ाना चाहें तो आप इसको तो सीआरपीसी के प्रोविजन जो की इन रिलेशन टू रेप है जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ठीक है उनके साथ भी लिंक करके पढ़ सकते हैं सो देर इज नो एंड आप और एक कदम आगे बढ़ाना चाहें इसको स्पेशल लॉस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको एक कदम और आगे बढ़ाना चाहें आप इसको करंट अफेयर्स से भी पढ़ सकते हैं जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द द न्यूज आई थी उज्जैन रेप केस आप इसको उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं सो देर इज नो एंड आखिरी में आपको यह सोचना होता है बस अब मेरे लिए एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट दिस इज मोर देन सफिशियंट और ये कॉल पर्सनल कॉल होती है ठीक है जी आई होप कि ये इस एग्जांपल से आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी मयंक uh, दीप आपने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एबडक्शन ठीक है आ, uh, तो देखिए जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहां पे सेक्शन uh, 362 में आपका जो है abduction defined है abduction को समझने के लिए मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं सबसे पहला अगर कोई भी person by force करता है ठीक है जी by force, force भी आपकी defined है है ठीक uh, uh, जी देन तो वहां पे आपकी फोर्स एक्सप्लेन uh, है डिफाइंड है और फोर्स से क्या कर रहे हो आप दूसरे को कंपेल कर रहे हो या फिर और

और लास्ट एजेंशियल आता है टू गो फ्रॉम एनी प्लेस तो ये तीन इजेंशियल्स आपके आते हैं अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर uh, ए जिसकी उम्र है पच्चीस साल वो अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है ताकि मुझे कोई ऑटो या कुछ भी टैक्सी मिले और मैं जो है अपने घर जा सकूं तभी एक गाड़ी आती है गेट खुलते हैं उसको कॉलर से पकड़ते हैं और गाड़ी में खींच लेते हैं फर्स्ट इजेंशियल क्या यहाँ पे आपने किसी को क्या yes. तो आना चाहता था आपने करके उसे किया. पहला हो गया. Second, आप क्या कर रहे हो इंड्यूसमेंट ऑफ एनी पर्सन तो वो मेल हो उसकी कितनी मेल हो फीमेल हो उसकी कितनी भी एज हो से इंडियमेंट ऑफ एनी पर्सन तो वो भी आपका कंप्लीट हो गया थर्ड इजेंशियल अब आपने उसको गाड़ी में बिठा के करना क्या है आपने उसे दिल्ली से उठाया कहीं भी जा, कहीं जाते रहे तो वो थर्ड इजेंशियल टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इसीलिए हम कहते हैं ऑफेंस क्योंकि स्टार्ट तो हो गया जैसे उसको कंपेल किया एंड सोन so इंड्यूसमेंट किया फ्रॉम प्लेस टू अनदर लेकिन ये एंड नहीं होगा ठीक है ये एंड एंड कब होगा जब उसकी रिकवरी ही हो जाएगी इन शॉर्ट कि वो अपने घर पहुंच जाएगा पुलिस जो है उनको पकड़ लेगी एंड सो ऑन या वो वहां से भाग निकलता है एंड सो ऑन ठीक है तो तब ही ये एंड होगा सो दिस इज योर ठीक है जी आई होप इट्स क्लियर वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता मनाली सर मैरिटल रेप तो इंडिया में पनिशेबल नहीं है

अंडर आईपीसी या किसी तो वो जब ऑफेंस ही नहीं है तो उसकी पनिशमेंट कैसे दिला सकते हो ठीक है देन और अगर कल को लॉ आ भी गया तो फिर आपके पास दोबारा से यहाँ पे आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज वन आ जाता है जो कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के बारे में बात करता है तो उनको तो आप पनिशमेंट नहीं दिला सकते हो ठीक है ये बहुत ही डिबेटेबल भी है जिसमें आ, uh, uh, पर आप uh, और इसका भी मिसयूज हो सकता है लेकिन फिर एक आर्ग्यूमेंट आता है जस्ट बिकॉज किसी लॉ का मिसयूज हो सकता है अब जैसे इन द केस ऑफ फोर नाइन एट ए का ही एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो फोर नाइन ए का मिसयूज भी हुआ तो हमने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर दिया हमने उसको खत्म नहीं कर दिया ठीक है तो ऑन अ सिमिलर ग्राउंड्स मैरिटल रेप को भी जस्ट बिकॉज़ इसका मिसयूज हो सकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में कभी इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं ठीक है तो मे बी इन फ्यूचर हमें इसका कोई प्रोविजन देखने को मिले बट एज ऑफ नाउ अभी आप कोई किसी को पनिशमेंट नहीं दिला सकते हो फॉर ऑबवियस रीजन कि ऑफेंस ही नहीं है ठीक है अंजलि किसकू आपका क्वेश्चन है uh, एबी कब एंडो 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कैसे कुछ अब तो 2023 चल रहा है अब 2018 से फॉलो अप नहीं किया आपने आई होप कि या तो आप बेयर एक्ट पुराने वाला यूज कर रहे हो ठीक है हाँ जी डाइवोर्स तो ऑलवेज इज एन ऑप्शन बना ली ठीक है जी आई होप आई हैव आंसर्ड एवरीवन ठीक है जी

Peace.